रमेश चंद्र यादव, शिक्षक समाजशास्त्र, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, उत्तर प्रदेश, राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। आज हम लोग उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित ऑनलाइन कोर्सेज में आप सभी स्नातक स्तर एवं परास्नातक स्तर के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज की क्लास में हम लोग समाजशास्त्र के अर्थ, समाजशास्त्र की परिभाषा एवं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे एवं उसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। आज हम लोग समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, डेफिनेशन एंड स्कोप। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से विचार करने पर हम पाते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला शब्द सोशियस। सोशियस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। दूसरा शब्द है लोगोस। लोगोस ग्रीस भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज तथा लोगोस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है समाज का शास्त्र, यानी समाज का विज्ञान। अगर हम जॉन स्टुअर्ट मिल के शब्दों में समझें तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था और कहा कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है। दो भिन्न भाषाओं का तात्पर्य यहाँ पर लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा से है, यानी लैटिन भाषा के सोशियस और ग्रीक भाषा के लोगस शब्द से है। और कहा कि अधिकांश विद्वानों ने मिल के सुझाव को नहीं माना। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र रखा। सोशियोलॉजी शब्द की उपयुक्तता के संबंध में आपने लिखा है कि प्रतीकों की सुविधा एवं सूचकता उनकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से अधिक महत्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ सामाजिक संबंधों यानी सोशल रिलेशंस का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है, यानी समाजशास्त्र का अर्थ सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोणों में भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन इतना अवश्य है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर विचार व्यक्त किए हैं। अब विभिन्न समय पर जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं उनके द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषाओं को हम चार भागों में बांटकर समझ सकते हैं। नंबर एक, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। नंबर दो, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। तीन, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में। चार, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। अब हम समाजशास्त्र को इन चार भागों में जिस प्रकार से बांटा गया है उनके आधार पर एक एक करके अध्ययन करेंगे। नंबर एक, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इसमें गिडिंग्स, समनर, एल एफ वार्ड आदि कुछ ऐसे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न किया है जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन कर सके। एल एफ वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। एल एफ वार्ड साहब समाजशास्त्र की जो परिभाषा देते हैं
वो कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग्स के अनुसार, गिडिंग्स की परिभाषा समाजशास्त्र की, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। आपने ही अन्यत्र लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। ओडम महोदय के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, परंतु यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र किस समाज का अध्ययन करता है? मानव समाज या फिर पशु समाज या फिर दोनों का? यहाँ हमें यह स्पष्टता समझ लेना चाहिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। जी डंकन मिचेल के अनुसार समाजशास्त्र समाज के संरचनात्मक पक्षों, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स का विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शास्त्र है। तो ये हमारा प्रथम जो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में था का वर्णन है। द्वितीय, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, जहाँ कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान माना है तो वहीं कुछ अन्य ने इसे सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन के रूप में माना है। लेकिन समाज के विज्ञान और सामाजिक संबंधों के अध्ययन में कोई अंतर नहीं है। इसका कारण यह है कि सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को ही समाज के नाम से पुकारा गया है। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन मानने वाले कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषाएं इस प्रकार हैं, जिनमें प्रमुख समाजशास्त्री हैं मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। आपने अन्यत्र लिखा है कि सामाजिक संबंध मात्र समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। जेएफ क्यूबर के अनुसार, जेएफ क्यूबर महोदय ने समाजशास्त्र को मानव संबंधों, ह्यूमन रिलेशनशिप्स के रूप में, के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित करते हैं। मैक्स वेबर महोदय ने समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है। इसी प्रकार के विचारों को व्यक्त करते हुए वॉन वीच ने लिखा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। अर्नॉल्ड एम रोज के अनुसार समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। अब हम देखते हैं कि उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाजशास्त्र कहा गया है। मनुष्य पारस्परिक जागरूकता यानी म्यूचुअल अवेयरनेस और संपर्क कॉन्टैक्ट के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के साथ अगणित सामाजिक संबंध स्थापित करता है। जब अनेक व्यक्ति और समूह विभिन्न इकाइयों के रूप में एक दूसरे के साथ संबंधित हो जाते हैं, तब इन संबंधों के आधार पर जो कुछ बनता है वही समाज यानी सोसाइटी कहलाता है। ऐसे समाज या सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तृतीय, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, यहाँ पर छात्रों ध्यान देना होगा कि हम समाजशास्त्र को समूहों के अध्ययन के रूप में समाज वैज्ञानिकों द्वारा जो परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से
नोब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इसका तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र व्यवहार के उन प्रतिमानों की ओर ध्यान देता है जो संगठित समुदायों में रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन माना है। आपके ही शब्दों में, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। आपकी मान्यता है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देने से काम नहीं चलेगा और हम किसी निश्चित निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकेंगे। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का विज्ञान माना जाना चाहिए। सामाजिक समूह का अर्थ जॉनसन के अनुसार केवल व्यक्तियों के समूह नहीं होकर व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं की व्यवस्था से है। विभिन्न व्यक्ति जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनमें सामाजिक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है और इन्हीं अंतःक्रियाओं के आधार पर समूह बनते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के आधार पर बनने वाले ऐसे सामाजिक समूहों का अध्ययन ही है। जॉनसन ने समाजशास्त्र में उन्हीं सामाजिक संबंधों को महत्व दिया है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। आपने लिखा है, समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति में हमारी रुचि केवल वहीं तक है जहां तक वे सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था में भाग लेते हैं। स्पष्ट है कि समूह के निर्माण में सामाजिक अंतःक्रियाएं आधार के रूप में हैं और इन्हीं के आधार पर बनने वाले सामाजिक समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। सामाजिक समूहों के अध्ययन को समाजशास्त्र में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? सवाल ये भी उठता है कि आखिर सामाजिक समूहों के अध्ययन को सोशियोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंस क्यों मिलता है? इसे भी हम यहाँ समझ लेना चाहिए। व्यक्ति चूंकि व्यक्ति समूह में रहता है तथा उसकी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेता है और अपनी आवश्यकताओं या लक्ष्यों की पूर्ति करता है, वह परिवार, समूह, नाते रिश्तेदारों के समूह, जाति समूह और खेल कूद के साथियों के समूह, पड़ोस समूह, विद्यालय समूह, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह एवं राजनीतिक दल में भाग लेता है और यही उसका विकास होता है। इनमें से प्रत्येक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। अतः जब हम समाजशास्त्र में सामाजिक समूहों का अध्ययन करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं के व्यवस्थित अध्ययन के महत्व को भी स्वीकार करते हैं। चौथे नंबर पर है समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। कुछ समाजशास्त्री समाज को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इनकी मान्यता है कि सामाजिक संबंधों के बजाय सामाजिक अंतःक्रियाएं समाज का वास्तविक आधार है। सामाजिक संबंधों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका ठीक से अध्ययन किया जाना बहुत ही कठिन है। समाजशास्त्र में सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए। अंतःक्रिया का तात्पर्य, इंटरैक्शन का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूहों का जागरूक अवस्था में एक दूसरे के संपर्क में आना और एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करना सामाजिक संबंधों के निर्माण का आधार अंतःक्रिया ही है। यही कारण है कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान माना गया है। गिलिन
और गिलिन के अनुसार व्यापक अर्थ में समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सीमेल महोदय ने समाजशास्त्र को समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है के रूप में परिभाषित किया है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। कुछ अन्य विद्वानों ने समाजशास्त्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें प्रमुख समाजशास्त्री हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का यानी सोशल एक्शन का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना समाजशास्त्र को समझना कठिन है। इसका कारण यह है कि जहां समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का विशेष महत्व है, वहीं सामाजिक क्रियाओं को समझे बिना इन दोनों को नहीं समझा जा सकता है। स्वयं अंतःक्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से ही होता है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं को समझने पर विशेष जोर दिया है। समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया को अध्ययन को टालकट पार्सन्स ने भी काफ़ी महत्व दिया है। आपकी मान्यता है कि संपूर्ण सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों, समाज तथा सामाजिक व्यवस्था को क्रिया की धारणा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। शोरोकिन महोदय के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक यानी सोशल सांस्कृतिक कल्चरल प्रघटनाओं के सामान्य स्वरूपों एवं प्रकारों तथा अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। आपने अन्यत्र बताया है कि समाजशास्त्र समाज के उन पहलुओं का अध्ययन करता है जो आवर्तक रिकरेंट अस्थाई और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल है और जो प्रत्येक सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु से संबंधित हैं, किंतु फिर भी कोई भी सामाजिक विज्ञान उनका विशेष रूप से अध्ययन नहीं करता है। आपने व्यापक रूप में समाजशास्त्र व्यवस्था सोशल सिस्टम का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। समाज व्यवस्था में सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संस्थाएं तथा इनसे संबंधित प्रभाव एवं परिस्थितियां आती हैं। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इस प्रकार छात्र छात्राओं, हम ये देखते हैं कि उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र यानी टोटलिटी में एक इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। सामाजिक संबंधों को ठीक ढंग से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया गया है। अब हम बात करेंगे समाजशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। एलेक्स इंकल्स महोदय कहते हैं कि समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है
और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि वह विज्ञान कहाँ तक फैला हुआ है। अगर हम उसे दूसरे शब्दों में कहें तो क्षेत्र का तात्पर्य उन संबंधित संभावित सीमाओं से है जिनके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्वरूपात्मक संप्रदाय एवं विशिष्टात्मक संप्रदाय, फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल। प्रथम मत या विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और द्वितीय विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। इनमें से प्रत्येक विचारधारा को हम यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। छात्रों, इसमें पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय यानी फॉर्मल स्कूल। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वान विज, मैक्स वेबर तथा टानिज प्रमुख समाजशास्त्री हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है, यानी समाजशास्त्रियों का मानना है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जैसा प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका अध्ययन उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, उसी प्रकार समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली कोई भी मुख्य सामग्री या समस्या होनी चाहिए। ऐसा होने पर ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र भी निश्चित हो सकेगा। इस संप्रदाय के मानने वालों का कहना है, यानी कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के मानने वालों का कहना है कि यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने का प्रयास किया गया या प्रयत्न किया गया तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। ऐसी दशा में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। अतः समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं करके इन संबंधों के विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन किया जाए सामाजिक संबंधों के स्वरूपात्मक पक्ष पर जोर देने के कारण ही इस संप्रदाय को स्वरूपात्मक संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय या विचारधारा से संबंधित प्रमुख विद्वानों के विचार इस प्रकार हैं। जॉर्ज सिमेल के विचार, व्यू ऑफ जॉर्ज सिमेल, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाना चाहते थे। आपने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। आपकी मान्यता है कि यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। सिमेल के अनुसार सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप होता है और एक अंतर वस्तु होती है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप यानी फॉर्म, अंतर वस्तु यानी कंटेंट का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के रूप में 3 एक से स्वरूप वाली बोतलों में से एक में पानी
दूसरे में दूध, तीसरे में शराब भरी जा सकती है। पानी, दूध और शराब का बोतलों का स्वरूप पर और इनके स्वरूप का बोतलों के अंतर्वस्त्र यानी पानी, दूध, शराब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोतल की विशेष आकृति या बनावट उसका स्वरूप है और उसमें भरा हुआ पानी, दूध या शराब उसकी अंतर्वस्त्र यानी कंटेंट है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्त्र में भी अंतर पाया जाता है और ये भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अनुकरण यानी इमिटेशन, सहयोग, कोऑपरेशन, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रभुत्व, डोमिनेशन, अधीनता, सबॉर्डिनेशन, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक संबंधों के ये स्वरूप जब विभिन्न अंतर्वस्तुओं जैसे आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि में पाए जाते हैं तो इनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र का तो केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए, ना कि अंतर वस्तुओं का। ऐसा मानना है स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले समाजशास्त्रियों का, जिनमें प्रमुख रूप से जॉर्ज सिमेल हैं। सिमेल के अनुसार अन्य सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का और एक विशेष विज्ञान बनाने के रूप में समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जा सकता है। अब दूसरे समाजशास्त्री हैं वीरकांत, व्यूज ऑफ वीरकांत। वीरकांत ने भी समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के समर्थक थे। आपने बताया कि यदि समाजशास्त्र को अस्पष्टता एवं अनिश्चितता के आरोपों से बचाना है तो उसे किसी मूर्त समाज का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन नहीं करना चाहिए। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। समाजशास्त्र इस पर विचार नहीं करता कि पिता और पुत्र में अथवा माता और पुत्री में क्या संबंध है। वह तो यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इन्हीं के आधार पर विभिन्न सामाजिक संबंध बनते हैं और इन्हीं सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माण होता है। अतः समाजशास्त्र को इन्हीं मानसिक अथवा भावनात्मक तत्वों या संबंधों के स्वरूपों तक अपने को सीमित रखना चाहिए। स्वयं वीरकांत ने लिखा है, समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों के अंतिम स्वरूपों का अध्ययन करता है जो कि मनुष्यों को एक दूसरे से बांधते हैं। वानवीज के विचार, व्यूज ऑफ वानवीज। वानवीज भी सिमेल के समान समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के पक्ष में थे। आपने लिखा है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। आपने सामाजिक संबंधों के 650 से अधिक स्वरूपों का उल्लेख करते हुए बताया है कि समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में अपने आप को लगाना चाहिए। अब हम छात्रों देखते हैं कि मैक्स वेबर के क्या विचार हैं स्वरूपात्मक के पक्ष में। मैक्स वेबर समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान मानते हैं।
आपके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को अपने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण मीनिंगफुल है और साथ ही उन अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से भी प्रभावित होता है। मैक्स वेबर की मान्यता है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है। अतः समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उसकी व्याख्या करना है। आपके अनुसार सामाजिक क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या एवं विश्लेषण से ही समाजशास्त्र में अनुभव और तर्क पर आधारित नियमों का निर्माण किया जा सकता है। आपने बताया है कि यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाएगा तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट और असीमित हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन निश्चित सीमा में ही किया जाए। इस दृष्टि से मैक्स वेबर मानते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। स्वरूपात्मक संप्रदाय के अन्य समर्थकों में टानिश, वोगल, रास, पार्क एवं बर्गेश आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संप्रदाय से संबंधित सभी विद्वान समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन तक सीमित मानते हैं। उपर्युक्त सभी विद्वान का समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विद्वानों से स्वतंत्र एक विशिष्ट विज्ञान बनाने का प्रयत्न रहा है। क्रिटिसिज्म ऑफ फॉर्मल स्कूल। अब हम लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय की क्या आलोचना हो सकती है उस पर प्रकाश डालते हैं। छात्रों एवं छात्राओं, स्वरूपात्मक संप्रदाय पर अनिश्चितता और अस्पष्टता का आरोप है। इस संप्रदाय के समर्थकों के संबंधों में फीचर का कहना है कि इन्हें समाजशास्त्री न कहकर सामाजिक दार्शनिक कहना ठीक होगा, क्योंकि इन्होंने सामाजिक जीवन की व्यवहारिक प्रकृति को समझने का प्रयत्न नहीं किया है। इस संप्रदाय की प्रमुख कमियां निम्नमत हैं। एक, स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित विद्वानों का ये कहना गलत है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान के द्वारा नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान बनाने में इनका अध्ययन करना चाहिए, ऐसा कहना निराधार है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप जैसे प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञा, पालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानून शास्त्र में काफ़ी व्यवस्थित रूप में किया जाता है। शोरोकुन ने लिखा है कि स्वरूपों का अध्ययन एवं अन्य विज्ञानों द्वारा भी किया जाता है। अतः समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है। नंबर दो, इस संप्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप और अंतर वस्तु में भेद किया है, यानी इन्हें एक दूसरे से पृथक माना है। लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप यानी फॉर्म्स तथा अंतर वस्तु कंटेंट को एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। इस संबंध में शोरोकिन ने लिखा है कि जब हम एक गिलास को शराब, पानी या शक्कर से बिना उसके स्वरूप को परिवर्तित किए हुए भर सकते हैं, परंतु मैं एक सामाजिक संस्था के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसका स्वरूप उसके सदस्यों के बदल जाने के बाद भी परिवर्तित नहीं होगा। अस्पष्ट है कि जब सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में स्वरूप और अंतर्वस्त्र को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना भी संभव नहीं है। नंबर तीन, इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और परिशुद्ध प्योर साइंस बनाना चाहते हैं, परंतु ऐसा होना संभव नहीं है। इसका कारण ये है कि
विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। सभी सामाजिक विज्ञान थोड़ी बहुत मात्रा में एक दूसरे से कुछ ग्रहण करते हैं। सोरोकिन ने इस संबंध में लिखा है कि शायद ही कोई ऐसा विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंध न रखता हो। छात्रों, ध्यान देने वाली बात है, सोरोकिन महोदय का यहाँ पे कहना है कि शायद ही कोई ऐसा विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंध न रखता हो। नंबर चार, इस संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान मानते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को सीमित रखने पर जोर देते हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों तक ही सीमित है, परंतु इस प्रकार की मान्यता ठीक नहीं है। यदि इस संप्रदाय की मान्यता के अनुसार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाए तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। ऐसी दशा में इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित हो जाएगा, जो कि विषय के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। नंबर पाँच, आलोचना में समाजशास्त्र समग्र रूप में समाज का विज्ञान है। आज यह प्रमाणित हो चुका है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि सामाजिक जीवन के किसी एक भाग या पक्ष में कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य भागों या पक्षों पर भी पड़ता है। अतः इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर जोर देना सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की अवहेलना करना जैसा है, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इस प्रकार नंबर छः आलोचना में देखते हैं कि इस संप्रदाय के समर्थकों ने सामाजिकरण के स्वरूपों और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में कोई अंतर नहीं किया है तथा दोनों को एक दूसरे का पर्याय वाची मान लिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में केवल सामाजिकरण के ही नहीं बल्कि असामाजिकरण के स्वरूप भी मौजूद रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में हमने अब तक समाजशास्त्र की परिभाषाएं, समाजशास्त्र के अर्थ, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय फॉर्मलिस्टिक स्कूल की विस्तृत चर्चा कर ली है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समाजशास्त्र के दूसरे विषय क्षेत्र के अंतर्गत दूसरे स्कूल यानी सिंथेटिक स्कूल समन्वयात्मक संप्रदाय की विस्तृत चर्चा एवं विश्लेषण करेंगे। थैंक यू वेरी मच।